हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं मार्वल्स के बारे में जान रहे हैं। इस साल यानी कि 30 नवंबर को मार्वल की एवेंजर्स में दर्शकों को बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसके लिए फैंस पहले से ही एक्साइटेड हैं। नए पार्ट में एक बार फिर से विश्व के रक्षकों को उनका मिशन मिल जाएगा, तो वहीं इस बार फैंस को नया नायक मिलेगा स्पाइडरमैन के रूप में। जी हाँ, प्ले स्टोर पर एवेंजर्स के नए गेम का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद आप भी इसकी तारीफ जरूर करेंगे। आपको बता रहे कि क्रिस्टल डायनेमिक्स और स्क्वायर एनिक्स ने स्पाइडरमैन की अपकमिंग रिलीज के लिए पहला ट्रेलर जारी किया है, खास तौर पर प्ले स्टेशन प्लेयर्स के लिए। नया फुटेज स्पाइडरमैन को AIM विलन से निपटने के लिए, जो खिलाड़ी एक साल से अधिक समय से लड़ रहे हैं। आधे रास्ते में स्पाइडी को कुछ बैकअप मिलता है, जो साल 2016 के कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की याद दिलाता है। जब कोई एवेंजर्स पर गेम बनाता है, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह स्पाइडरमैन रोस्टर पर अपना रास्ता बनाए। इसे दूर करने के लिए क्रिस्टल डायनेमिक्स और स्क्वायर एनिक्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बता दें कि स्पाइडरमैन जितना रोमांचक है, तो वहीं इस खेल में अभी तक बहुत सी कमियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। खैर, 30 नवंबर को बड़ा अपडेट चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का एक नया प्रयास प्रतीत होता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।